मेरे हिसाब से लगभग सभी लोगों ने पठान मूवी का टीजर देख ही लिया होगा। तो भाई टीजर की क्या ही तारीफ करें, कमाल का टीजर है। तो वहीं उसके गानों पे बेशरम रंग की वजह से जो कंटेंट वर्सी हुई है भाई, इसे गाना जो बेशरम रंग था आपको पता ही होगा, उसमें भगवा कलर की जो बिगनी थी उस पर चल के बवाल हो गया, जिसकी वजह से मूवी को प्रचार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उस पर इतना ज़्यादा लोगों ने प्रचार किया, इतना ज़्यादा कॉन्टेंट वर्सी हो गई। अभी हाल ही में एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा कि सर आपने इस मूवी का प्रचार क्यों नहीं किया, तो शाहरुख खान ने कहा अगर पठान मूवी फ्लॉप होती है तो मैं इंडिया छोड़कर बाहर चला जाऊँगा। तो आपको क्या लगता है भाई कि शाहरुख खान की पठान मूवी फ्लॉप होगी? भाई मैं इसके बारे में एक नई न्यूज लेके ये आया हूँ कि पठान मूवी का टीजर के बाद जो उसके सॉन्ग आए उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई, बाइकआउट करने की मांग कही गई जनता के द्वारा, क्योंकि उसमें भगवा कलर के बिकनी को लेकर खूब ज्यादा बॉल हुई। सब आपने न्यूज देखी लगी, लेकिन मैं आपको एक नई ताबड़तोड़ न्यूज ये लेके आया हूँ भाई साहब। ये जो अनाउंसमेंट थी ये YRF वालों ने की, मतलब यशराज मूवी वालों ने की, इनके जो ट्यूटियाने वाले लोग हैं ना, इनकी जो टीम है YRF की, वहाँ से ही अनाउंसमेंट हुई है कि पठान मूवी का ट्रेलर 8 से 10 जनवरी के बीच आ जाएगा। अभी हाल ही में एक जल्दी से एक पोस्टर लॉन्च होगा जो 8 तारीख को होगा, शायद दीपिका पादुकोण का आने वाला है, उसी में लोग बता देंगे कि कब आ रहा है ट्रेलर। उसके बाद आपको तो पता ही कि 25 जनवरी को मूवी भी आ रही है पठान। तो भाई साहब आज की जो लेटेस्ट न्यूज हुआ है वो ये है कि आपका जो पठान मूवी है उसका ट्रेलर आ रहा है 10 जनवरी को। तो सब लोग रेडी हो जाओ भाई, ट्रेलर सुपर डुपर हिट होना चाहिए जिस तरह से इसके सॉन्ग हुए। तो भाई मुझे लगता है कि ट्रेलर पे भी कंटेंट वर्सी काफ़ी ज़्यादा होगी, हो सकता है उस पर भी वाद विवाद हो जिससे जनता बायकॉट करने की मांग कही जाए। तो भाई अगर ट्रेलर को लेकर जनता बायकॉट करने की मांग करती है तो आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट